नमस्कार। भारत में यदि आज एक कोई ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा उन्नति करेगा तो मुझे लगता है वह है कृषि से जुड़ा हुआ, और इसके अंदर अगर कोई बेहतरीन बिजनेस है तो वह है ट्रैक्टर्स का और ट्रैक्टर उपकरण का। हमारा मानना है कि न्यू हॉलैंड इस क्षेत्र में एक अग्रणीय कंपनी है। 120 वर्षों का इतिहास, पूरे दुनिया के अंदर लीडरशिप और हर प्रकार के कृषि उपकरण के अंदर इसकी जानकारी और इसकी टेक्नोलॉजी, यानी चाहे ट्रैक्टर्स हो जाएं, कंबाइन हार्वेस्टर्स, शुगर केन हार्वेस्टर्स, बेलर्स, प्लाउज, रेक्स, प्लांटर्स, स्प्रेयर्स और क्या नहीं, ये सभी न्यू हॉलैंड खुद की टेक्नोलॉजी के साथ में हिंदुस्तान में बना रही है। और जो लोग आज कृषि उपकरण के बिजनेस से जुड़ते हैं और एक ऐसी कंपनी से जुड़ते हैं जिसके पास भविष्य के 50 सालों की टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि उनका बिजनेस और उनका भविष्य भी स्वर्णिम रहेगा। मेरा नाम विजय कुंडीवा चौहान है, मैं करण का ही रहने वाला हूँ। 10 साल से मैं न्यू हॉलैंड की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की इंडस्ट्री देखने जाएंगे तो जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, यानी कराड़ का जो हम तहसील की बात करने जाएंगे तो पहले से इरिगेटेड एरिया है। यहाँ की लोगों की जो जीवन मान है बहुत ऊंची है, लोगों को नया नया और जो अच्छा वाला रहेगा वो अडॉप्ट करने की आदत लगी है। इसलिए हमने भी न्यू हॉलैंड का नाम बहुत सुना था, मार्केट में थोड़ा सा क्वालिटी टेक्नोलॉजी बहुत सारी थी, कि न्यू हॉलैंड कंपनी ये वर्ल्ड में ऐसी कंपनी है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है। तो हमने ये सोच के थोड़ा सा कि न्यू हॉलैंड के साथ जुड़े हुए आज तक। 2009 से हमने न्यू हॉलैंड के साथ काम चालू किया। 2010 के बाद हम सपायर में आ गए। ट्रैक्टर के साथ ही साथ हम जो क्रॉप सॉल्यूशन में हमारा शुगर केन हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, बेलर है, रेक है, उसके साथ बहुत सारी जो इम्प्लीमेंट्स है वो हमने बिकी है। उसमें से आज के डेट पे जो शुगर केन हार्वेस्टर का देखने जाएंगे तो हमारे डीलरशिप आज के डेट पे भारत में नंबर 1 डीलरशिप है जिसमें हमने शुगर केन हार्वेस्टर ज़्यादा बिका है। आज के डेट पे प्रोडक्ट इतना बहुत आया है अच्छा वाला कि बिल्कुल कुछ फेलर है ही नहीं है, लेकिन छोटा मोटा रहेगा तो भी कंपनी की तरफ से जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली सर्विस दे रहा है। साथ में हमारे जो टेक्नीशियन है उसको भी हमने कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दे दिया है। मैं सपार में जो गया हूँ, मेरा सपार कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें से 90% रोल मेरा सर्विस के डिपार्टमेंट का है। उसके वजह से लोगों के माइंड में एक ही है, ट्रैक्टर लेने करेंगे तो लोग हमारे पहले पूछता है या न्यू हॉलैंड के डीलरशिप पर आके पूछता है कि ट्रैक्टर, क्योंकि उसको ट्रैक्टर तो मिलता है लेकिन सर्विस प्रॉपर मिलती है। पैसा तो सब लोग कमाते ही है, लेकिन साथ साथ में हमने एक रिलेशन अच्छा सा बनाया उनके साथ, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली प्रॉफिट तो हो गया ही है, लेकिन आदमी हमारे से इतना जुड़ा है उसके वजह से आज के डेट पे हमारे जो शहर है, हमारा जो गांव है, उसमें से हमारा एक अलग सी पहचान हो गया है। उसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर भी जो ग्लो दिखता है वो न्यू हॉलैंड का ग्लो है, टेक्नोलॉजी का ग्लो है और तंत्रज्ञान का ग्लो है।